अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जगदेव सिंह यादव, पूर्व मंत्री व प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता में बताया कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भारतवर्षीय यादव महासभा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह यादव द्वारा दी गई है, जिसका वह निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। आगे बताया कि इससे पूर्व वे राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व निर्वहन कर रहे थे। बोले, महासभा के संगठन का सामाजिक समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सामाजिक संरचना को सुदृढ़ बनाने के साथ सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना रहेगा। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट। ये किस प्रकार की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? आज ये जो प्रेस वार्ता का आयोजन, किस प्रकार की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? देखिए, प्रथम बार में यादव महासभा करने बाद फिरोजाबाद से आया जो हमारी पार्टी के, जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। और मैं महासभा को प्रदेश स्तर से लेके, जिले स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक संगठन को मजबूत करने काम करूँगा। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं दूर करके नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उस पर काम करने का। मैं पूर्व में अखिल भारतीय यादव महासभा का महासचिव था और दूसरे प्रदेशों में प्रभारी। चाहता हूँ कि समाज को जुड़े, जीता हूँ और विदेश भावना से कोई काम न करें, समाज को आगे बढ़ाने का काम हो। और दूसरे समाज के लोग, चाहे पिछड़े हों, चाहे सबल हों, चाहे दलित हों, इनको भी सदव्यवहार के माध्यम से साथ लेकर चलने का काम करेगा यादव समाज के लोग। ये हमारी लोगों की उम्मीद रहेगी और आने वाले समय में आज जो आप देख रहे हैं, समाज को बांटने काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों को, दलितों को अपने का 9% बांटे बांधकर साथ साथ कर रहे हैं। ये संविधान के विपरीत है। संविधान में क्लास के वर्णन है, क्लास दिया गया, क्लास माने बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, जात के वर्णन नहीं है। संविधान के विपरीत में जाने सरकार काम करेगी तो वही दशा होगी जो कभी आपको याद होगा, राजनाथ सिंह सरकार में अशोक यादव ने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया, खत्म हो गया। ये असंवैधानिक व्यवस्था का हम लोग विरोध करते हैं। ये बांटो राज करने की जो नीति रही है अंग्रेजों के राज से चलने वाले भारतीय जनता पार्टी की, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी लोग, इसका विरोध करते हैं। और यही कारण है कि आज जो हालात पूरे देश में हो रहे हैं, आपने देखा जितने उपचुनाव हुए हैं और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहाँ बिहार है, यूपी है, सब जगह हार गए उपचुनाव। और हद तो हो गए उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री जो 5-5 बार रहे हैं वो हार गए, डिप्टी सीएम हार गए। बात इस मुख्यमंत्री की समझ पे बहुत तरस आता है कि भगवान जो हमको, जिनको हम देवता मानते हैं, हनुमान जी को सही बता दिया था। उस आदमी की कितनी शिक्षा है, क्या योग्यता है, हमें इस पर आज प्रश्न पैदा हो गया। अपराध बढ़े हैं, क्राइम बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। हमारी सरकार थी जो पहले साहब ये गुंडाराज, अब कितना बड़ा रामराज आ गया, जो बैन लूटी जाती है राजभवन के सामने, इंजीनियर मारा जाता है, हत्याएं होती हैं पूरे प्रदेश में, जेल में हत्याएं होती हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। वो मैं नहीं कह रहा, इनका कैबिनेट मंत्री का राजभर कहता है, जो 500 में काम होता था वो अब 5000 में हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ी है, कहीं सरकारी नौकरी मिलेंगी नहीं, हम आउटसोर्सिंग करेंगे। मैं भी सरकार में मंत्री था, आपके यहाँ भी आता था, सब विभाग में बात है, हम लोगों ने नौकरियाँ देने का काम किया। मानिए अखिलेश यादव, मैं पुलिस विभाग में